Live 26. Ab entertainment kabhi bhi kahin bhi. एक्चुअली कोशिश ऐसी नहीं है. मैंने ये फिल्म सिर्फ इमेज तोड़ने के लिए नहीं बनाई, ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई है. एक डिफरेंट मीडियम, शॉर्ट फिल्म मैंने आज तक नहीं करी थी, एक अलग रोल जो मैंने आज तक नहीं किया था. मुझे हर बार वो काम करने में अच्छा लगता है जो मैंने आज तक नहीं किया. तो आई थिंक नॉट ओनली मी, हर एक्टर का ये ड्रीम होता है, ये भूख होती है. मैं अगर होस्टिंग भी करता हूँ तो हर बार मैं ट्राई करता हूँ मेरा ह्यूमर डिफरेंट रहे. तो वही है, इट्स मोर ऑफ मी एंड एक अलग तरह का काम करने का मिला मौका, तो मैंने कहा डेफिनेटली लेट्स डू दिस. Manish, it also remind me, you know what, I believe you should take it as a compliment. This is what I, in my head somewhere down the line, you know, it remind me of Pushpa. Okay. अरे वाह, क्या बात है. That role, और उसके बाद में लगता है आप जो कर रहे हैं वो दूसरा कोई कर रहा है. जी. हिंदी सिनेमा का जितना मुझे ज्ञान है. जी. तो how do you see this, you know, coincidence, ये पूरा इत्तेफाक किस तरह देखते हैं? यार आप बोल रहे हैं तो एक्चुअली मुझे अभी ये रियलाइज हो रहा है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्टली. एक्चुअली हमने सोच के नहीं किया था. हमें ये था कि मैं बोलता तो हूँ ही, सब देखते हैं कि मैं बहुत बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ. तो एक अलग और फैक्टर ऑडियंस को देने के लिए कि होल्डिंग द स्क्रीन फॉर 17 मिनट्स विदाउट एनी डायलॉग, तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी. तो मैंने कहा यार ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ एंड आई वुड लाइक टू डू दैट. सो दैट वाज द रीज़न. जी मुझे लगता है कि उसमें ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं क्योंकि आपको अपने चेहरे से, अपने हाव-भाव से, अपनी आंखों से, बॉडी लैंग्वेज से बताना है, ऑडियंस को स्टोरी बोलनी है. जी. वो उसके लिए कुछ क्लासेस वगैरह होम हुआ था, कुछ वर्क क्लास वगैरह होता है? सी, आई बिलीव इन वन थिंग, एक्टर प्रिपेयर्स. तो हर एक्टर जो है वो तैयारी करता है और हर एक्टर अपने तरीके से तैयारी करता है. सो मेरा तरीका अपना है. मैं जनरली क्योंकि मुझे चुप रहना था तो मैं थोड़े दिन थोड़ा अलूफ होना स्टार्ट हो गया था सबसे. मैंने कहा यार मैं थोड़ा कम बात करूँगा एंड मैंने उससे पहले थोड़ा काम भी कम कर दिया था. शोज़ आ रहे थे बट मैंने कहा मैं एक दो शोज़ नहीं जाऊँगा बिकॉज आई वॉन्टेड टू जस्ट बी इन द कैरेक्टर. एंड सेट पे भी मैंने बिल्कुल किसी से बात नहीं करी, बिल्कुल अलग रहा. नो वैनिटी वैंस, नो लैविश खाना या दोस्त आ रहे हैं, सब हो रहा है. हालांकि शॉट इन दिल्ली, सो मेरी फैमिली, मेरी बहुत सारे दोस्त दिल्ली में हैं, बट मैंने सबको बोल दिया था ये चार दिन मैं किसी से नहीं मिलूँगा और मुझे फ़ोन भी मत करना. यहाँ तक मैं अपनी वाइफ को भी, शी वॉज़ इन बॉम्बे, मैंने उनको बिल्कुल कॉल नहीं किया. मैंने कहा बहुत अर्जेंट हो तो घर में कॉल कर लेना, मॉम से बात कर लेना, बिकॉज मैं चार दिन अब बिल्कुल गायब होने वाला हूँ. सो बट दैट हेल्प्ड. नहाया नहीं, सेम कपड़े पहनने, बिल्कुल वैसे गंदा रहना, उसी तरह एक एक घंटा, डेढ़ घंटा सोना, क्योंकि जितना कम सो रहा था मैं और चिढ़ रहा था और मुझे लग रहा था ये कैरेक्टर को ज़रूरी है. जितना इरिटेटेड दिखे उतना ज़्यादा अच्छा है. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं इन पर थोड़ा मैंने काम किया है. ओके, बिल्कुल अलग अलग किया है मनीष, जैसा आप बता रहे हैं. और कल रिलीज हो रही है फ्रॉम ऑनलाइन. जी. आप सब डी एग्री विद दिस, एक नया दौर आ गया है जहां इस तरह का सिनेमा, इस तरह की ऑडियंस है. सीक्रेट गेम्स इज एग्जांपल. या बिल्कुल, आई थिंक ऑडियंस आजकल सिर्फ ग्रैंडियर नहीं मांगती, सिर्फ रोजी पिक्चर नहीं मांगती, रियल चीजें जो हैं वो बहुत चल रही हैं और कंटेंट जो है दैट्स द किंग. आई थिंक आप अगर मैं सीक्रेट गेम की बात करूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उसका. मैंने आई थिंक बैक टू बैक देख के ख़त्म किया. बहुत बढ़िया लिखावट थी, बहुत अच्छा लिखा है एंड बहुत अच्छा डायरेक्ट किया गया है, बहुत अच्छी एक्टिंग की गई है. सो इन टोटैलिटी अगर आप देखो, उसके लिए भी अगर मुझे पूछे, स्टोरी इतनी कमाल थी कि सबकी परफॉर्मेंसेज और निखर के आएंगे. सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे स्टोरी इज द किंग. एब्सोल्युटली. आई थिंक एक एक कैरेक्टर, और उसमें एक्चुअली बात ये थी कि माने जब आप पोस्टर देखते हैं, जो भी देखते हैं, उसमें नवाजुद्दीन एंड सैफ अली खान देखते हैं, लेकिन जब आप पूरी सीरीज़ देखते हैं आपको एक एक कैरेक्टर याद रहता है. आई थिंक वो सबसे बड़ा क्रेडिट मैं राइटर्स को देता हूँ, बिकॉज आई थिंक वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अंडरप्लेड माने जाते हैं. आई थिंक जो भी कंटेंट होता है वो सबसे पहले राइटर बनाता है. सो राइटर्स ने बहुत अच्छा काम किया. बसंत हैं, वरुण हैं, इन सब ने बहुत बहुत अच्छा लिखा है एंड आई थिंक वो किंग होते हैं. तो वो लिखावट इतनी प्यारी थी कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल छूटता नहीं है, सब याद रहते हैं. सो आई थिंक अगर मौका मिले तो व्हाई नॉट. ओके मनीष, अगर मैं आपकी बात करूं, यू आर वन ऑफ द फैंटास्टिक होस्ट वी हैव इन द इंडस्ट्री. बहुत जो भी आप करते हैं लाजवाब करते हैं,
क्या आप मानते हैं कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आप एक्टर अभी कुछ बहुत कुछ आपके अंदर बाकी जो निकला नहीं बिल्कुल जा सकता है और बिल्कुल और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उस लिहाज से वो लोग नहीं दे पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं यार पता नहीं मैं तो कहता हूँ सब टाइम का खेल है आई डोंट ब्लेम एनीबडी मुझे किसी के लिए कोई रिग्रेट या किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है कि फलाने ने काम नहीं दिया उसको दे दिया नहीं क्यों यार उसकी किस्मत में तो वहाँ चला गया मेरी किस्मत में मेरे पास आ जाएगा और अगर जिसको भी लगेगा उसको मनीष पॉल चाहिए तो वो मुझे ही फ़ोन करेगा सिंपल सी बात है और जिसको मैं नहीं चाहिए हूँ उनके ऑलरेडी फ़ोन नहीं आ रहे तो ऐसी कोई बात नहीं है सो नो हार्ड फीलिंग्स यार मैं काम करने आया हूँ होस्टिंग में डेफिनेटली मुझे कॉल करते बिकॉज दे नो एक्टिंग में भी धीरे धीरे अगर प्रूफ होता जाएगा मैं करता जाऊँगा सो मुझे मेहनत करने में कोई डर नहीं है मैं तो मेहनत करने आया हूँ रोज़ मेहनत करने के लिए उठता हूँ खूब मेहनत करता हूँ चाहे मुझे कोई भी काम दो मैं उसे 200% मेहनत से करता हूँ और यही मेरा काम है बिल्कुल है आई थिंक अगर आप यही वाली फिल्म देखें आज तक किसी ने नहीं देखा था कि मनीष ये भी कर सकते हैं इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था जब मैंने काम किया जब मैंने फिल्म देखी मैंने कहा हाँ यार ये एक नया एंगल आया है आई थिंक एक होता ना आप एक नई नई चीज़ करते जाते हो जब मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट करी थी रेड कार्पेट किया फिर मेन स्टेज किया मेन स्टेज पे पंगे लेते 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 बड़े बड़े स्टार्स के साथ मिंगलिंग अराउंड हुई इसी तरह एक्टिंग में भी फिल्में करते 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 कॉमेडी करके ये ट्राई किया लगा ओके ये भी हो सकता है अब इसके बाद एक और फिल्म कर रहे हैं उसमें एक और डिफरेंट कैरेक्टर है उसके बाद एक और फिल्म हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें अलग कैरेक्टर है तो इस तरह करके धीरे धीरे डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन दैट ओके whose idea was this to be in production your brother is the one who started all yeah actually यार एक्चुअली मेरे ब्रदर और मैं माई ब्रदर हैज़ बीन हैंडलिंग माई वर्क एंड हम लोग बात कर रहे थे कि यार कुछ करा जाए सो ही सेड यार एक प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं लेट्स स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया व्हाई नॉट सो हम लोग कर रहे थे तुगड़म लड़ा रहे थे एंड समहाउ थिंग्स फेल इन प्लेस एंड यस हियर वी आर ओके व्हाट एल्स इज देयर इन द बैकग्राउंड यार अभी एक और शॉर्ट फिल्म है जो हमने कम्प्लीट करी है दैट अनदर 2-3 महीने में हमारा प्लान है उसको भी रिलीज करें उसके अलावा हमने एक फुल फीचर बनाया है वो एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म स्टार्ट करी थी बट है शेप्ड अप वेल सो वो भी जल्दी आनी चाहिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन आइडल इज ऑन सो या ओके मनीष सीक्रेट गेम्स की मैं बात करूं वापस जी किरदार लोग एक्टर याद नहीं रखते किरदार याद रखते हैं उसको गायतोंडे बिल्कुल कौन सा एक ऐसा किरदार है जो मनीष करना चाहें अगर जीवन में यार आई थिंक अगर मुझे मिले तो डेफिनेटली सैफ का किरदार जो है आई थिंक सरताज ब्रिलियंट ही वॉज नवाजुद्दीन गायतोंडे ये तो आई थिंक ऑब्वियसली फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे मुझे नवाजुद्दीन सर का काम कमाल लगा आई थिंक उनके कैरेक्टर में जितने शेड्स दिखाए हैं बड़े अमेजिंग हैं फिर एक कैरेक्टर था बंटी बहुत अच्छा रोल किया मेरी फ्रेंड उसने काम किया कुकू बनी थी तो वो बहुत अच्छा काम था आई थिंक मैं एक या दो नहीं कहूँगा इतने सारे कैरेक्टर निकल के आ रहे थे जो चाहे 2 एपिसोड्स के लिए थे लेकिन बहुत अच्छा काम किया जो चाहे 4 एपिसोड में थे बहुत अच्छा काम किया तो आई थिंक कैरेक्टर्स बहुत बहुत कमाल लिखे हुए थे मनीष आपकी जो प्रोडक्शन कंपनी है जो आप सीरीज वगैरह बना रहे हैं उसका उसका है ना कमर्शियल आउटकम के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी आर यू नो पुशिंग योर फिल्म टू Amazon और सम अदर यार मैं एक्चुअली ये काम मैंने विवेक पॉल को दे रखा है क्योंकि ये थोड़ा भारी काम है तो मैंने कहा भाई मैं तो एक्टिंग करूँगा तो फाइनेंशियल जो है मैंने आज तक नहीं देखा मैं देखता ही नहीं मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं या कितना पैसा आ रहा है मैं नहीं देखता इन चीज़ों को वो मेरा ब्रदर हैंडल करता है मेरी वाइफ मेरा बैलेंस हैंडल करती है तो मैं नहीं देखता है सब चीज़ें सो क्रिएटिवली हम लोग आपस में हैं बट मैं कभी भी पैसे को बीच में क्रिएटिविटी के बीच में मैं पैसा नहीं देखता बिकॉज फिर ना या तो कमर्शियल काम कर सकते हो आप या क्रिएटिवली काम कर सकते हो मैं क्रिएटिवली काम करता हूँ पैसा आता जाता okay, है लास्ट वन सलमान के साथ एक अलग बॉन्डिंग है इवन बीइंग अ जर्नलिस्ट इवन आई हैव सीन बहुत लोग समझ कम लोगों को बहुत कम समझ में आता है कि सलमान कब किस वक्त किस मूड में है उन्हें ये बोलना चाहिए या कहना चाहिए पब्लिकली ऐसे इंटरेक्ट करना चाहिए एंड यू आर द वन हू यार एक्चुअली ये एक ऐसी केमिस्ट्री जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास मतलब हर केमिकल चीज़ जो होती है ना उसका एक वो होता है फॉर्मूला होता है बट ऐसा नहीं है ये आई थिंक एक प्यार का रिलेशन है एक रिगार्ड का रिलेशन है आई लव हिम आई रिस्पेक्ट हिम सिमिलरली आई थिंक ही रेसिप्रोकेट्स दैट मैंने आज तक नहीं देखा भाईजान ने रिस्पेक्ट कम दी हो मुझे आप करके बात करते हैं काम उनको कोई दिखाओ अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो बहुत अच्छे से देखते हैं पूरा टाइम देखते हैं ऐसा नहीं कि हाँ चलो हाँ बहुत अच्छा चलो वो नहीं
बड़े इतने बड़े शो में अपने साथ लेके गए, वहाँ पे उन्होंने खुद ही देखा, कहते हैं यार तुम होस्टिंग तो कर रहे हो, डांस क्यों नहीं करते? मैंने कहा आप बोलो भाई जान, डेफिनेटली. तो उन्होंने ही मेड श्योर कि मैं उनके साथ भी डांस कर रहा हूँ, कटरीना के साथ भी डांस कर रहा हूँ, जैकलीन के साथ भी कर रहा हूँ, प्रभु देवा सर के साथ कर रहा हूँ, सोनाक्षी के साथ डांस कर रहा हूँ. तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी यार. वो गाने मेरे हैं भी नहीं, उस पर भी भाई जान ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, तुम ये गाने में मेरे साथ आओ. सो मैं सोनाक्षी एंड सलमान सर, मैं सोनाक्षी एंड जैकलीन. सो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है एंड आई कैन नेवर थैंक हिम इनफ फॉर दैट. और बस वो काम देते हैं, मैं उसको हर बार और अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ. मनीष एकदम खास, बिल्कुल नए अंदाज में एक कुछ नया करने की कोशिश, ब्लैक ब्रीफकेस में बात कर रहा हूँ. कैसे पूरा आइडिया आया, कैसे इस प्रोजेक्ट का जन्म हुआ? यार एक्चुअली मैं और मेरा बड़ा भाई विवेक पॉल, हमने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया है सिनेमैटिक्स 9, और हम लोग सोच रहे थे कुछ अलग तरह का कॉन्टेंट बनाएं. एंड मेरे ब्रदर की मुलाकात हुई इस फिल्म के डायरेक्टर से, तो वो जनरली फ्लाइट में थे इकट्ठे, पता भी नहीं था ये डायरेक्टर हैं और ये प्रोड्यूसर हैं. बात करते करते बात निकली, उन्होंने अपना काम दिखाना स्टार्ट किया एंड उसके बाद फाइनली मेरी मुलाकात कराई विवेक ने इनसे. एंड हम सारे बैठे एंड हमें बहुत अच्छा लगा आइडिया एंड आई सेड व्हाई नॉट, आई थिंक इस फिल्म को बनाया जाए, आई थिंक ये आनी चाहिए बाहर. एंड हियर वी आर, फिल्म तैयार है और रिलीज हो रही है. फिल्म के बारे में कुछ बता पाएंगे किस क्या किरदार निभाते आप नजर आएंगे और क्या पूरी फिल्म में आप अकेले किरदार हैं? हाँ एक्चुअली पूरी फिल्म में मैं अकेला किरदार हूँ. जिसके अराउंड पूरी फिल्म है, वो एक लड़का है ब्लैक ब्रीफकेस लेके घूम रहा है और वो क्या करना चाह रहा है वो आप फिल्म देखेंगे तो मैं चाहूँगा आप जाने. टेररिस्ट का एक कैरेक्टर निभाया और किस तरह की कश्मकश में है वो दर्शाया गया. एक अकेला किरदार, एक ब्रीफकेस, दो लोग हो गए, एक प्रॉपर्टी और एक इंडिविजुअल, ये कितना चैलेंजिंग रहा? और जो बात ऑडियंस को कहनी है फिल्म के माध्यम से, क्या वो कह पाए हैं और कितना चैलेंजिंग रहा है सब कुछ करना? यार कह पाए हो या नहीं ये तो ऑडियंस ही बताएगी, बिकॉज मैंने तो अपनी तरफ से कही है, बाकी तो ऑडियंस जनता जनार्दन होती है, वही बताएंगे. बाकी डिफिकल्ट डेफिनेटली रहता है बिकॉज आपके पास को एक्टर्स हों, आपके पास लाइन्स हों, डायलॉग्स हों, तो आपको रिएक्शंस मिलते हैं. बट एक अकेले रूम में बैठ के इमोट करना जहाँ पे कुछ नहीं हिल रहा, कुछ नहीं है, तो वहाँ से इमोट करना डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है. लाइन्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सो थोड़ी डिफिकल्टी आई, बट मज़ा डेफिनेटली बहुत आया बिकॉज सीखने को मिला कि विदाउट लाइन्स, विदाउट डायलॉग्स, विदाउट एनीथिंग अराउंड यू कैन स्टिल इमोट. मनीष क्या आपको लगता है एक यूनिक तरीका अपनाया है, एक यूनिक सब्जेक्ट है, यूनिक, बहुत यूनिक है एक किरदार जो कुछ बोलता नहीं, एक प्रॉपर्टी ब्रीफकेस, आपको लगता है इस तरह की शॉर्ट फिल्म जो फेस्टिवल होता है, फिल्म को फेस्टिवल की तरफ भी रुख करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं इनफैक्ट चाहूँगा मैं अपनी फिल्म भी फेस्टिवल्स में भेजूँ. फिलहाल मुझे मेरा मेजर मकसद ये था कि लोग देखें, हमारी जो जनता है, मेरे जितने भी फैंस हैं, जो लोग मेरा काम पसंद करते हैं, वो एक डिफरेंट तरह का मनीष पॉल भी देखें. और अभी तक जितने दोस्तों ने देखी है उन्होंने कहा है कि एक डिफरेंट तरह का अवतार सामने आया है. इनफैक्ट फिल्म में तो मनीष पॉल लग ही नहीं रहे हो, विच इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कैन गेट, बिकॉज ये फिल्म मैंने एक कैरेक्टर निभाया है, मनीष पॉल ने निभाया, सो वो अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. क्या कोई मैसेज देने की कोशिश है कि किरदार ट्रैप हुआ है, फंस गया है, तो ऐसा कर रहा है और या वैसा करना नहीं चाहता, उसकी अपनी कश्मकश है, मजबूरियाँ हैं? यार एक्चुअली वही चीज़ें दर्शाई हैं कि किस तरह उसकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, किस तरह उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे हैं, अब उन सवालों के जवाब उसको मिलते हैं या नहीं, इस कैरेक्टर को उसी में फंसा के रखा है और किस तरह उससे निकल पाता है या नहीं निकल पाता है, इस पर कहानी. इंडस्ट्री में जो आपके दोस्त हैं, यार हैं, जहाँ आप इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, क्या किसी को दिखाया है, क्या उनके फीडबैक क्या हैं? You already work in so many film also. बिल्कुल यार, बहुत दोस्तों को दिखाया मैंने. अभी फिलहाल अनु मलिक जी इंडियन आइडल में मेरे साथ काम करें एंड मैं उनको स्पेशली मैंने रिक्वेस्ट किया था सर आप आके देखें, उन्हें बहुत पसंद आई. रमेश तोरानी जी आए थे, टिस्का चोपड़ा जो कि खुद विनर रही हैं अगर शॉर्ट फिल्म्स की बात करें, बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने खुद बनाई थी, वो बहुत इम्प्रेस थी. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर रिएक्शन बिकॉज वो इस एरिया को जानती हैं, वो इस मीडियम को ज़्यादा अच्छा समझती हैं. सो उन्होंने जब कहा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा आइडिया एंड मुझे बहुत अच्छी लगी, सो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दैट. और एक टेररिस्ट का किरदार है इसमें, एक और चीज़ का हमने खास ध्यान रखा, हमने टेररिस्ट को हिंदू या मुसलमान नहीं दिखाया, बिकॉज हम सब का मानना यह था यार टेररिज्म जो है वो कोई रिलीजन नहीं है उसका, टेररिज्म यहाँ है, तो टेररिज्म हिंदू या मुसलमान नहीं होता, एक आदमी टेररिस्ट होता है, एक इंसान टेररिस्ट होता है, सो आई थिंक वो यहाँ की उपज है, तो उसका भी हमने ध्यान रखा कि नहीं यार हमें इसमें नहीं पढ़ना, कि इसीलिए हमने कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं रखा है,
फिल्म में कैरेक्टर का कोई नाम नहीं है. तो मुझे बहुत लोगों ने कहा अच्छा कैरेक्टर का नाम क्या, मैंने कहा कोई है ही नहीं नाम, हमने दिया ही नहीं. अब वो हिंदू है या मुसलमान, आप मुसलमान हैं, आप खुद सोचो, अपने दिमाग से दिमाग लगाओ. और क्या आपको लगता है कि ये कोई रिलीजन का होना चाहिए था? मुझे नहीं लगता, ये यहाँ की सोच है, यहीं पर होनी चाहिए. ओके, क्या ड्यूरेशन होगा फिल्म का और क्या कल फिल्म ऑनलाइन रिलीज होने जा रही है? हाँ यार, 16 मिनट की फिल्म है ये. कल फिल्म रिलीज होने जा रही है, नर्वस है, एक्साइटेड है, क्योंकि एक अलग तरह का मनीष पॉल, एक तरह, एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मनीष. आर यू नर्वस, एक्साइटेड, और डू यू थिंक इट्स अ रिस्क डूइंग समथिंग लाइक दैट, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स व्हिच यू हैव नेवर डन इन पास्ट? यार मुझे रिस्क से तो बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं बहुत रिस्क लेता हूँ. और जहाँ तक बात है डर या नर्वसनेस, मैं एक्साइटेड ज़्यादा हूँ इस टाइम, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म देख के, एंड मेरे दोस्तों को बहुत मज़ा आया. मुझे यकीन है लोगों को भी पसंद आएगी. बाकी हाँ, नर्वसनेस डेफिनेटली होती है. एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, एक फिल्म जो हमने इतने प्यार से बनाई थी अब वो हमारी नहीं है, अब वो आपकी हो चुकी है. सो अब रिएक्शंस आपके हैं, जो भी होगा सर आपको. ओके, प्रोडक्शन में भी आप आ गए, स्टार्टेड अलोंग विद योर विजय ब्रदर्स. वो किसका, मतलब चीज़ें, मुझे एक अलग लाइट में दिखाना, वो हमारी टीम का आइडिया हो. कहते नहीं यार, आप जब भी फिल्म करो हमारे साथ, आप एक अलग लाइट में होने चाहिए. सो आई थिंक उन चीज़ों का हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं. चलिए, तो अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ ही घंटों में रिलीज होने वाली है. हाँ यार, बस फैंस को ये कहना चाहता हूँ, फिल्म रिलीज़ हो प्लीज़, जाके इमीडिएट जाके धनाधन देखें ये फिल्म, सबको बोलें ये फिल्म देखें. बहुत एक नया एक एफर्ट किया है मैंने, मेरी पूरी टीम ने. अच्छी फिल्म है, आप इंजॉय करेंगे, थ्रिलर है एकदम, आप ऐसे ग्रिप्ड रहेंगे कि अब क्या होने वाला है. सो अगर आप वैसा सिनेमा इंजॉय करते हैं, डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट फॉर ब्लैक ब्रीफकेस. ओके मनीष, अटल बिहारी वाजपेयी का देहांत हुआ है जी. एक बहुत बेहतरीन नेता, एक कवि, और हालांकि ऑपोजिशन तक उनको उनकी तारीफ करती रही आई है कि वो विपक्ष में रहने के बावजूद भी एक बेहतरीन नेता रहे हैं. कितना बड़ा, कितनी बड़ी क्षति है हिंदुस्तान के लिए अटल जी का? यार बहुत बड़ा लॉस है. आई थिंक सबसे बड़े नेता में इनका नाम है. देश के लिए इन्होंने जो किया है सब जानते हैं. आप खुद ही बोल रहे हैं, ऑपोजिशन जिनकी तारीफ करे उससे बड़ा क्या हो सकता है. पॉलिटिक्स में तो यही होता है, ऑपोजिशन एक दूसरे से लड़ती रहती है, वही पॉलिटिक्स है. इसमें ऐसा नहीं है उनके पर्सनल लड़ाइयाँ नहीं है, अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन उसमें भी ऑपोजिशन उनकी तारीफ करती थी. आई थिंक हर देशवासी उन्हें बहुत प्यार करता था, वो हर देशवासी को बहुत प्यार करते थे, और बच्चों की तरह रखते थे, और देश का बहुत ध्यान दिया. सो आई थिंक डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा लॉस है.